Yes, good morning, beta. Today we are going to start with the revision of chapter number one, that is number system. In this, firstly, you have to understand the meaning of the rational number and irrational numbers. The numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers, and denominator should not be zero, are called rational numbers. Like if I write 0.3, if I remove the decimal, it will become 3/10. आपने नंबर को क्या लिख लिया? 3/10. तो आपने डेसिमल नंबर को लिख लिया P by Q की फॉर्म में. तो आपने P by Q में एक्सप्रेस कर दिया ना, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर. इसका मतलब ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका रैशनल नंबर है. ठीक है, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल के बाद फिनिश हो रही है. इसका मतलब वो कौन सी टाइप की है? टर्मिनेटिंग टाइप की. कौन सी टाइप की है? टर्मिनेटिंग. तो रैशनल नंबर की दो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक हो गई टर्मिनेटिंग, दूसरी बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. याद है आपको, हम 0.3 बार को रिप्रेजेंट करते थे अपॉन की फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू 0.3 लेकर जितने डिजिट रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई करते थे. अभी करेंगे ऐसा क्वेश्चन. तो बार वाले जो नंबर है दैट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, एज वेल एज इफ द सिंपल नंबर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल दैट हैज पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. तो ये टू टाइप्स हैं. एक तो सिंपल हो गया, डेसिमल के बाद वन डिजिट है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी डिजिट्स है, यू विल रिमूव द डेसिमल एंड पुट as many zeros as the number of digits after the decimal are there. And in the case of bar, you will suppose this number as x and you will multiply it with the number of digits repeating, the number of tens. जैसे एक digit repeat हो रही है तो 10 से, 2 digit repeat हो रही है तो 100 से, 3 repeat हो रही है तो 1000 से multiply करके आप p by q की form में express करते. तो ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और जो दूसरा है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक मैं लिख दूं यहाँ पे 0.3746P4 सो ऑन. एक्चुअली हमें यही नहीं पता कि इसके बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो आप रिमूव करके कितनी जीरोस लगाओगे नहीं पता ना आपको. तो इसका मतलब आप इस नंबर को P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जब आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया. और ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. वो रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग. ठीक है, यही दो टाइप है. रैशनल बताना आ सकता है, इरेशनल बताना आ सकता है, डेसिमल के टाइप्स में एक्सप्रेस करना आ सकता है, या डेसिमल की टाइप गिवन होगी टाइप बतानी होगी. ठीक है, इफ बार इज देयर तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सिंपल फिक्स डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तो वो रिपीटिंग, ये जो है टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है. तो आपसे दो ही चीजें पूछ सकता है, या तो नंबर की टाइप पूछेगा या डेसिमल की टाइप पूछेगा. ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज मैं आपको आज सेंड कर दूंगी प्रैक्टिस के लिए. अब और देखो, मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आप उसमें से रिकॉग्नाइज करो कि कौन से टाइप के हैं. 0.475, 0.47 bar, 0.123 हॉटस्पॉट लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. नाउ यू हैव टू टेल मी द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. बोलो न्यासा, ये कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट उन्यासा, ये कौन सी? ये सौम्या, ये बोलो. आवाज ही नहीं आ रही. हाँ, तो रैशनल है कि इरेशनल? रैशनल. बार वाले को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? बताओ क्या आएगा? बहुत इजी है. क्या हुआ जगनूर? बोलो. हाँ हाँ जी, 475/1000.
तो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ना, तो यस इट इज रैशनल। ये इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एक्स सपोज करके, ठीक है अभी करते हैं। इसको भी पी बाई क्यू की बार वाले जो नंबर है यू कैन एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो यस इट इज रैशनल नंबर। अर्नब ये कौन सी टाइप का डेसिमल है, रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल। क्यों इरेशनल? पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। जो पी बाई क्यू में एक्सप्रेस हो सकते हैं वो रैशनल, जो नहीं हो सकते वो इरेशनल। क्लियर है? एनी डाउट? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये बार वाले को चेंज करना है, ठीक है? पहले ये करो, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ये कौन सी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है जयदेव? हाँ रैशनल है कि इरेशनल? बोलो क्या बनेगा रैशनल? 35/10 कटिंग हो रही है तो कटिंग करके आंसर देना है। 35/10 अगर ऑप्शन में हुआ तो वो आंसर नहीं होगा, 7/2 होगा आंसर, ठीक है? ऑप्शन में अगर 35/10 है ना तो वो नहीं टिक करना, 7/2 टिक करना है, कटिंग करके आंसर देना है, ठीक है? चलो ये करो अब, 0.4 bar एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कैसे करते हैं दिव्या बोलो? लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4 bar एक्स इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन, दिस इज योर नंबर वन। देन नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10, 4/9, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल विल शिफ्ट हियर, 4. सो ऑन। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इससे लेस है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, क्या आएगा? आपको एक बात बता दें, अगर ऐसे क्वेश्चन होता है ना 0.3 bar तो आंसर 3/9, 0.7 bar 7/9, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 9 आते हैं। ये कब होता है? जब डिजिट पूरे के ऊपर, वो बार पूरे के ऊपर होता है तब, ठीक है? जैसे 0.47 bar है तो 47/99 आंसर आएगा, लेकिन अगर बार ऐसे हो तो आंसर फिर ऐसा नहीं आएगा। जब पूरे पे बार है ना तो अपॉन जितने डिजिट है उतने 9 आ जाते हैं। सिंगल डिजिट है 1/9, डबल डिजिट पे बार है तो 9/2, ट्रिपल डिजिट पे बार है तो 999, लेकिन अगर बार मतलब कि जितने डिजिट है उतने पे नहीं है, रिड्यूस पे है, मतलब 1 है या 2 है या कुछ डिजिट अनकवर्ड है, तो उसमें आंसर ऐसा नहीं आता, उसमें करके देखना पड़े, ठीक है? अगर एमसीक्यू है ना तो सीधा टिक कर सकते हो, इसलिए बता रही हूं मैं आपको। लेकिन ये वाला आंसर कब होता है, ये आंसर कब होता है? जब बार पूरे पे होता है तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज सॉल्व कर लो। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप सॉल्व कर लो, ठीक है? जैसे यहाँ पे 0.4 bar था तो 4/9 आ गया, 0.6 bar है तो आंसर क्या आएगा? 6/9, मतलब 2/3, ठीक है? चलो लिखो क्वेश्चन, 0.12 bar करो, सॉल्व करो, 0.12 bar ब्रिजेश, ऑन योर वीडियो फर्स्ट।
मैम ट्रायंगल्स चैप्टर शुरू करवा देना था मैं करवाऊंगी, आप आए क्यों नहीं आज? मैम, थोड़ा वैसे ही मैम कन्वीनेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधा दिन में खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल करवा दूंगी इसके बाद। मैंने आज मॉर्निंग में ना आपको जो सिलेबस के जो कट किए हुए ना वो मैंने सेंड कर दिए थे, वो रीड कर लेना। मेरे ख्याल से नंबर लाइन वगैरह इसकी नहीं है, तो चेक कर लेना उसमें लिखा हुआ है। तो मैं भी देख लेती हूँ जो जो है ना डिलीटेड, वो नहीं करेंगे फिर रिवीजन में, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर लेंगे। मैंने सेंड किया था आपको अभी मॉर्निंग में ही किया आज आके। डन, आंसर इज, चलो लिखो, 0.47 बार, 7 पे बार है, सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10, 100 से नहीं करना, डबल डिजिट रिपीट होती है तो 100 से, सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 10। इसमें तो ये है कि नंबर सिस्टम में कुछ भी डिलीट नहीं है, लीनियर में भी कुछ डिलीट नहीं है, कोऑर्डिनेट में भी नहीं, लाइंस एंड एंगल में भी नहीं है, ट्रायंगल में भी नहीं, हिरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिलीटेड है, स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, मीडियन, मोड, बाकी सब कुछ है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों डाउट है कि इसकी नंबर लाइन शायद नहीं है। चलो मैं चेक कर लूंगी एक बार आगे। आपको पीडीएफ सेंड की थी ना वो सिलेबस, हाँ उसमें चेक किया था आपने, आज जाके देखना कि नंबर लाइन डिलीटेड तो नहीं है। हाँ ये मैं करके दिखाती हूँ आपको सॉल्व। इसको x सपोज कर लिया, x इज इक्वल टू 0.47 इज रिपीटिंग 7 7 7 एंड सो ऑन, गिव इट नंबर 1। नाउ सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, मल्टीप्लाइड विद 10 ऑन बोथ साइड, व्हेन यू मल्टीप्लाइड विद 10 डेसिमल विल शिफ्ट 4.777 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 1x माइनस करोगे 9x, इसमें से इसे माइनस करोगे 4.3, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 माइनस किया 3, रेस्ट विल बिकम 7 - 7 0, ठीक है। सो ऑन नहीं आएगा क्योंकि सो ऑन में से सो ऑन माइनस हो गया, सो ऑन लगाओगे तो फिर तो इरेशनल है, लिखोगे कैसे फिर? x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, 43/90, ठीक है। सौम्य, एनी डाउट? कौन सा डेसिमल वाला? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 100 से करते तो 2 के बाद शिफ्ट हो जाता 47.777, 3 के बाद करते तो 477.77। 10x में से 1x किया 9x, 4 में से 0 किया 4, 7 में से 4 किया 3, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, तो 4.3 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, 0.671 बार, चलो 7 1 पे बार है, 7 एंड 1 हैव बार, धैर्य, बॉटल दे,
You all have given the test yesterday. Test diya tha Lisa. Kitne marks hai Lisa? Navya. Test diya tha. Arnav. Test. Kal test diya tha. सच बोली हो, मैंने आज नंबर नोट करने में देखती हूँ। जसलीन क्यों? तो क्या 40 मिनट है, उसके बाद कब फिर? दिव्या दिया था टेस्ट, क्या आंसर आ रहा है? 665/990 कटिंग नहीं हो रही। अच्छा 5 से कह रहे हैं, वन थर्टी थ्री अपॉन वन, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? सौम्या दिव्या देखो इधर, नेक्स्ट राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, कैसे लिखते हैं रैशनल नंबर? मेक देयर डिनोमिनेटर सेम विच इज ऑलरेडी सेम 1। यस, कैन वी राइट इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर? यस, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 3 और 4 क्या थे? इंटीजर, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें आपने रैशनल नंबर लिखने हैं, मल्टीप्लाइड विद 10, क्या बन गया? 30/10, 40/10, क्या आएगा इसके बीच में? 31/10, 32/10, 33/10, ठीक है? ये करो, इज 0 अ रैशनल नंबर? 0 इंटीजर नहीं है? इज 0 एन इंटीजर? इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, तो 0 भी तो आता है इसके अंदर। तो यस, 0 इज अ इंटीजर एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है? तो यस, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, that is p by q, therefore 0 is a rational number. Find 3 rational number between these two. जिससे मर्जी करो, 10, 100 से इसलिए करते हैं, इजी हो जाता है। इज पाई अ रैशनल नंबर?
justified, justified, give suitable reasoning. If it is rational number, then justify. If it is not rational number, then also you have to justify. Rational नहीं है तो क्या है, क्या होगा? अगर rational नहीं है तो irrational क्यों है? आप ये लिखोगे पाई इज हैविंग द वैल्यू 22/7 जस्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन एंड जस्ट फॉर द कन्वीनियंस टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट इफ यू डिवाइड दिस, दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल एंड यू विल गेट द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. So if you divide it, this will give you the answer as 3.14, so on, and the decimal expansion is of the form non-terminating, non-repeating. So pi is a irrational number. If you want to read out this justification, that is given on the page number. Yes, listen, one more result is there. If inside the root prime number is there, they are always irrational. Like root 2, 2 prime number hai na, 3 prime number hai, 5 prime number hai, 7, 11, 13, 17. If you write prime numbers inside the root, they all will become irrational. ठीक है? तो pi ki justification jo hai, wait, कहाँ लिखी हुई है? Now you all, let me search for this. You start. Question number 4 of exercise 1.1. So table reason dene hai. Reasoning find karo aap. Do question number 4 of exercise 1.1, then start 1.2 exercise, that is again on the reasoning based questions. The 3.333. कौन सी type का है? Non-terminating. अच्छा आपको एक बात बता दें, अगर कोई नंबर ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसका मतलब वो रैशनल ही है, लेकिन उसकी डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी. और अगर कोई नंबर इरैशनल है, मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, तो डिवाइड की तो बात ही नहीं होती ना. ठीक है, या अगर होती भी है तो वो क्या होगा, आफ्टर मेनी डिजिट यू विल फाइंड आउट दैट नो डिजिट विल रिपीट एंड यू विल हैव सो ऑन साइन. ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1/7 नहीं है इसका एग्जाम्पल. ठीक है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता ही नहीं. आपको पता, इसको डिवाइड करो क्या आ रहा है, 0.875. क्या ये कौन सी टाइप का है? इसलिए कौन सी टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल कौन सी टाइप का है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसको डिवाइड करो 1/7, 1 को डिवाइड करो 7 से,
0.142857 and remainder is again 1. So that means this whole string will repeat. So it is non-terminating but repeating.